सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और आज हम फ्रेंड्स लगाएंगे मशीन से फॉल, साड़ी में किस तरह से लगाते हैं और बहुत ही जल्दी फटाफट फॉल लग जाती है। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये फॉल ले ली है। ये फॉल है मेरी और ये इधर की तरफ सिलाई है और इधर की तरफ सीधी है, इधर की तरफ उल्टी है। तो इधर सिलाई की तरफ हम इसे पहले इतना मोड़ लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने मोड़ दिया इसको इधर। अब हम साड़ी में फॉल लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी साड़ी और जिस साड़ी में जो नीचे की तरफ आता है हिस्सा, जहाँ से हम फॉल लगाना शुरू करते हैं, ये तो अमूमन सभी जानते हैं कि हम फॉल नीचे की तरफ से लगाते हैं। तो हम साड़ी में इतना हिस्सा छोड़ देंगे, दो ऐसे नाप लो दो हाथों से। तो दो हाथ हमने ये हिस्सा छोड़ दिया है साड़ी का। अब इसके आगे से हम यहाँ से फॉल लगाना शुरू करेंगे यहाँ से। तो पहले हम इसको जहाँ से हमने ये मोड़ा है ये हिस्सा, वहाँ से हम उल्टी तरफ से लगाएंगे यहाँ से। ये है, ये मेरी सीधी साड़ी है, इधर बॉर्डर है सीधी साड़ी की तरफ ला, और मैं ये इधर उल्टी है तो मैं इधर की तरफ से इस साड़ी पर फॉल लगाना शुरू करूँगी। और इसके लिए फ्रेंड्स मैंने ये धागा लिया है, कपड़े वाला ही, रील वाला ये, और ये बिल्कुल ही पता भी नहीं चलेगा, मजबूत भी रहता है और साड़ी बिछियों में फंस के फॉल साड़ी की टूट जाती है तो वो भी नहीं फंसेगी और पता भी नहीं चलेगा, फटाफट से फॉल लग जाएगी। तो चलिए आइए फॉल लगाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए चाहिए हमें मशीन और मैंने इसमें सेटल में भी नीचे लाल धागा ही भर लिया है, ये जो इसमें फॉल में लगाऊंगी वही, और इसको सेटल को हम नीचे लगा देंगे इस तरह से। और अब हम लगाएंगे फॉल इसमें साड़ी में। इस तरह से लगा लेंगे साड़ी को यहाँ से, इस पर हम चलाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने साड़ी को इस तरह से लगा लिया है। ये किनारी वाला हिस्सा हम इधर रखेंगे और अंदर वाला साड़ी का हिस्सा हम इधर की तरफ रखेंगे और यहाँ से साड़ी पे फॉल लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से साड़ी लगाए पर फॉल लगाएं मशीन से। हाथ से हम लगाते तो बहुत जल्दी से हट जाती है साड़ी, कच्चा धागा टूट जाता और ये मजबूत रहती है फॉल। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये लग गई है नीचे फॉल, देखिए आप ये इस तरह से ये। और देखिए पता भी नहीं चल रहा है कि नीचे हमने मशीन से लगाई है फॉल और मजबूत की मजबूत है। और देखो हाल लग जाएगी, देखो इधर भी पता नहीं चल रहा है, आप देखिए। और फ्रेंड्स, ये मेरी फॉल लगने वाली है। अब जब इतना हिस्सा बचा है तो इसे हम फिर से इधर की तरफ से अंदर से मोड़ लेंगे इधर ऐसे, और फिर इस पर हम मशीन चला देंगे। और उसके बाद हम लगाएंगे ऊपर की तरफ फॉल, वो भी देखिएगा आप किस तरह से लगाएंगे हम। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको साड़ी को उल्टी तरफ से ऐसे रख लिया है और इसको ये मैंने ले लिया है सुई धागा, ये देखिए। और इसकी सहायता से हम पहले कच्चा कर लेंगे ताकि इसमें साड़ी में झोल ना आए और फटाफट से लग जाए, दिक्कत ना हो इसमें। ऐसे हम बड़े बड़े धागा भर लेंगे साड़ी में इस तरह से सुई की सहायता से। इस तरह से फ्रेंड्स हार लग जाती है फॉल,
और मजबूत भी लगती है, टिकाऊ भी लगती है। और मार्केट में हम लगवाते हैं तो वो लोग बड़े बड़े धागा भर देते हैं, हाथ से लगाते हैं, और वो साड़ी पे से फॉल हाल हट जाती है, धागा बिछिया में फंस के टूट जाते हैं। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने बड़े बड़े धागा भर लिए हैं ऐसे, इस तरह से झोल भी नहीं आएगी और जल्दी से फॉल लग जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने भर लिए हैं बड़े बड़े धागा, ये देखिए, ये देखिए, ये बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े हमने भर लिए। इसी तरह से हम पूरी फॉल में धागा भर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कच्चा धागा कर लिया है और मैंने वीडियो में चमके आपको लोगों को देखे इसलिए अलग रंग का धागा लगा लिया है। इतना बड़ा बड़ा हमने पूरे में भर लिया उल्टी तरफ से। अब हम लगाएंगे सीधी तरफ से फॉल, इसको पक्का कराएंगे। अब इसको, अभी तो हमने ये कच्चा किया है, अब हम इसे पक्का कराएंगे। कच्चा इसलिए कर लेते ताकि फटाफट से लग जाए और झोल आ रही हो तो पता चल जाए इस तरह से। फिर पक्का करने के बाद झोल आती है तो बहुत दिक्कत होती है धीरने में भी और लगाने में भी। तो पहले इस तरह से कच्चा कर लीजिए आप, फिर उसके बाद पक्का लगा लीजिए, तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि कहीं साड़ी में फॉल में झोल तो नहीं आ रही। देखिए फ्रेंड्स, इधर की तरफ हमारी साड़ी का कलर ये है सफ़ेद और ब्लैक, वाइट और ब्लैक। तो इसलिए मैंने ये वाइट धागा लिया है ऊपर लगाने के लिए, और नीचे सिटल में भी मैंने यही धागा भरा है ताकि ये ऊपर चमकी ना साड़ी में, धागा पता ना चले। तो फ्रेंड्स, मैंने ऊपर इसमें भी मशीन में भी लगा लिया धागा सफ़ेद, और नीचे सटेल में भी मैंने सफ़ेद धागा लगा दिया है क्योंकि ये साड़ी ऊपर ब्लैक और वाइट है, इसलिए सफ़ेद धागा लगा लिया मैंने वाइट कलर का। और अब मैं इधर की तरफ से हम लगाएंगे साड़ी में, और देखिए ये हिस्सा हम इधर रखेंगे, ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा है हमारा, वो हम ऐसे रखेंगे ऊपर से और सीधी तरफ से फॉल लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फॉल लगा लेंगे, ऊपर मशीन चला लेंगे, और जहां पे वर्क आए वहां पे थोड़ा सावधानी से मशीन चलाइएगा, नहीं तो सुई टूट सकती है। और आपकी अच्छी साड़ी है महंगी वाली और ज़्यादा उसमें वर्क है तो फिर आप ऊपर हाथ से लगाइए फॉल, और सिंपल साड़ी में आप इस तरह से फॉल लगा सकते हैं, पता नहीं चलती है, अच्छी भी लगती है और तुरंत लग भी जाती है सिंपल साड़ी में इस तरह से। फ्रेंड्स, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा, अभी इसमें और भी काम बाकी है जो मैं आपको बताऊंगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना, और मेरे चैनल को आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी में लग चुका है धागा, मैं साड़ी मेरी तैयार हो चुकी है, और जो धागा हमने कच्चा लगाया था इधर की तरफ, ये देखिए आप, ये इधर की तरफ, अब हम इस धागे को खींच के निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से खींचिए धागे को इस तरह से खींच के निकाल दीजिए, निकल गए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा धागा खींच के इधर से निकाल दिया है, तरफ से कुछ इस तरह की लग रही है जो दूर से पता भी नहीं चलेगी और मजबूती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप जरूर लगाइएगा इस तरह से साड़ी में फॉल आप। और ये साड़ी में फॉल मैंने मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे तब मैंने लगा ली है, 5 मिनट में ये मेरी साड़ी तैयार हो चुकी है। तो आप भी जरूर लगाइएगा इस तरह से साड़ी में।